सो हे गाइस यार, की हाल चाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। वापस से आ चुका हूँ ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। यार ये गेम में पूरे के पूरे जिसमें कि 17 किल गेम है, पूरा का पूरा मैं तुम्हें गेम प्ले दिखाऊंगा क्या कैसे होता है। यार मेरे अकेले के ही जो है इसमें जो है 10 किल से जो है मिलिट्री बेस में निकल जाते हैं, तो यार काफ़ी मज़ा आता है। कैसे क्या मैं हैंडल करता हूँ स्क्वाड को, कैसे कहाँ फाइट लेता हूँ, सब वो सब दिखेगा तुमको। और तुम लोग भी हाईएस्ट किल कैसे कर सकते हो गेम के अंदर, वो भी तुम लोग को पता चल जाएगा। तो सो लेट्स गो गाइस। तो यार मैं ये वीडियो पे जो है बहुत सारे पॉइंट जो है कवर करने वाला हूँ, जैसे कि जो है मतलब आईफोन में 90 FPS आएगा कि नहीं आएगा, कौन कौन से आईफोन में ये जो है तुमको 90 FPS देखने को मिलेगा और नहीं मिलेगा, सो डिवाइस के बारे में भी बात कर लेंगे। सो लेट्स गो गाइस। तो बिना किसी देरी के जो वीडियो को जो शुरू करते, वैसे वीडियो तो अपने आप चल ही रहा है, मैं कुछ बोल मतलब कर तो नहीं रहा हूँ, सिर्फ मेरे को बोलना ही बोलना है। सो गाइस अगर तुमने मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक मारो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरा वीडियो तुमको जो जल्दी से मिलता रहे। सो गाइस मैं तुमको बता दूँ कि अगर यार तुम लोग को फुल गेम प्ले वाला चाहिए जैसे कि मैंने अभी पोस्ट किया ऐसा, या जो है क्लचेस चाहिए मतलब कि जो 1v4 मैं जो करता हूँ शॉर्ट शॉर्ट, मतलब किसी जैसे कहीं पे एक क्लच हो गया तो उसका रिकॉर्ड डाल दी, तो ऐसे ही कर करके मैं जो 5-6 क्लच का वीडियो बना के रहा, जैसे कि मैं पहले करता था। सो यार सजेशन तुम लोग दो कौन सा डालूँ मैं। और वैसे भी ये गेम प्ले जो है मेरे आईफोन का है, सो लेट्स गो। अभी तो ये पिक्चर शुरुआत हुआ है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। तो गाइस इधर बात करेंगे कि कौन कौन से जो आईफोन में ये 90 FPS सपोर्ट करेगा। तो आगे तो यार गाइस चलो यहाँ का बात करें सिचुएशन का, तो फिर आगे हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे बीच बीच में डिवाइस के बारे में। सो सब चीज़ जो है सो कोई टेंशन। तो यहाँ से भाई जब मैं यहाँ पर लैंड किया था, तब 4 बंदे उतरे थे, पूरा गोल गोल घूम लिया, सब तो गायब हो गए थे। इधर उधर से देखे मेरे को ये दो, अब पता नहीं कहाँ गए। एक को मारा, बाकी 3 गायब हो गए, क्योंकि यह फूटी देखना जब मैं लैंड किया था तब भाई 4 बंदों की फूटी आ रही थी, इसीलिए मैं एकदम कोने में जाके हील किया था। तो यार एक बंदा इनका जो है यहाँ पे रहता, तो भाई मैं सोचता हूँ ये कैंपर भाई अगर टीपी पी चाट में जाऊँगा तो ये मेरे हमारे गंदे तरीके से, तो इच्छा अच्छा जो नेट वगैरह कर लेते हैं। पर एक भैया जो है पीछे वेक्टर चला दी और मेरी फाड़ दी कि आप क्या करें, तो फिर मेरे को जो पुश ही करना पड़ा। लेकिन भाई तुम्हारा ऐसे पुश नहीं करेगा, और देखो फूटी देखो TPP कहाँ चाट रहे थे भैया, भाई इधर आ गए थे तो वो भी भाई एकदम फुल जंप एंड शूट के साथ निकले थे। लेकिन भाई उस टाइम हम ही नहीं निकले, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ एक सीन हो गया था। एक्चुअली मेरे को जो मच्छर काटे थे, तो मैं जो उस मच्छर को मारने लगा था तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, तो इसीलिए मैं जो मैं रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए था। तो यहाँ एक बंदा नहीं दिखता है, तो मैं उसको सोचता हूँ नेट कर लूँ, पर क्या पता राइट से जाके भी मार सकता हूँ। तो भाई मैं जो है राइट से ही जाके मारता हूँ उसको। यार देखो कभी भी जो फाइट को जो डायरेक्ट इंगेज मत करो, रिस्क मत लो, क्योंकि देखो अगर तुम डायरेक्ट फाइट लोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे पास हेल्थ किट वगैरह भी कुछ भी नहीं था, तो सो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती। सो इट्स और यहाँ पे मेन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं यहाँ पे जो अकेला हूँ, ना मेरे टीममेट्स ना कोई, क्योंकि जो भी है वो सब नोवो में अपना खेल रहे हैं अकेले, क्योंकि रैंडम्स तो जानते हैं। सो गाइस यहाँ पे मुझे टीम दिखती है ऊपर 2 बंदे, मैं चाहूँ तो आराम से इनको नॉक भी दे सकता हूँ, पर भाई मतलब कि मैं यहाँ पे कम से कम समझ लूँ मैं 20 से 30 सेकंड था, तो वो स्किप कर दिया मैंने। तो देखो वहाँ पे चाहूँ मैं नॉक भी, फिर मैं देखता हूँ हेल्थ किट नहीं है, तो यार फालतू में अगर मैं लो हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उतने में क्या होता है कि इधर से फायर हो जाता है पीछे से, तो मैं सोचता हूँ भाई इधर ही फाइट लेते हैं, क्योंकि इधर ज़्यादा ईजी रहेगा लेना, बल्कि उधर से। और उधर तो यार पूरी स्क्वाड थी, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ बैठा होगा। सो इससे अच्छा कि थोड़ा जो पहले इधर क्लियर कर लेते हैं और फिर थोड़ा हेल्थ किट वगैरह ले लेते हैं, ताकि जो है फाइट हो तो मैं हील कर सकूँ। अगर हील ही नहीं होगा तो फिर मैं कैसे फाइट लूँगा। सो इधर मेरे को एक बंदा क्लियर करता हूँ, दूसरा बंदा दिखता है, दोनों अलग अलग पार्टी के रहते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ ये पुश ही करते हैं, क्योंकि हेल्थ किट वगैरह तो है नहीं, और वैसे भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मरूँगा। सो यार अगर तुम लोग मर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, खेलो मज़े करो। अरे दूसरा गेम लगाना, इसमें गलती दिख रही थी वो गलती रिपीट होती, तो मैं यहाँ थोड़ा रिस्क लेके जो मैं हेल्थ किट लेता हूँ और फिर जो है चलता हूँ। भाई ये बंदा कसम से लिटरली ऐसा कैम्प करता है ना, मतलब TPP का एक्सपर्ट रहता है भाई,
गजब का। तो आता हूँ मैं यहाँ पे, जो पहले चेक करता हूँ कितने बंदे होते हैं। वैसे तो एक बंदे कंफर्म होता है फिर भी, लेकिन नेट वगैरह का तो देखो दो बंदे दिखते हैं यहाँ पे। देखो फुटी आ ही गया, तो इसीलिए जो ऊपर बिल्डिंग में रहता है एक ही, एक जो रहता है वो बाहर रहता है। तो मैं किसी तरह घुसता हूँ यहाँ पे तो दिखता नहीं है, फिर वो चला जाता है ऊपर क्योंकि मैं नेट फेंक देता हूँ। अब भाई यहाँ पे एक बंदा नॉक, मेरे को लगता है कि वहाँ से नॉक दिया इसको, तो मैं यहाँ घुस जाता हूँ। पर लेकिन भाई सब तो यहीं पर अभी भी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं थोड़ा मार देता हूँ किसी तरह हकते उकते। लेकिन भाई गलत ही डीवीएस भाई, अगर डीवीएस का एक शॉट लगता है मैं जाता। उतने में क्या होता है कि भाई वो वाली पार्टी भी आती है इधर। तो भाई ने जो सोन पड़ी रहती है उसको सोन पड़ा बना देते हैं और फिर उसको पहुंचा देते हैं लॉबी। तो भैया उनके भी अभी दो बंदे आते फुदकते फुदकते ताकि मुझको मार सके, लेकिन वो कभी क्या ही बोलूँ मैं, एकदम खतरनाक जहरीला कैंपर बन के रहता हूँ। और सबसे बड़ी गलती कि वो यहाँ पे ही जो है खुला में वो वही सेम गलती रिपीट करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनको पनिशमेंट तो दी जाएगी भैया। तो उतने में भाई साहब एक गाड़ी जाती है बाजू से, मेरे मेरी पटी जाती है। फिर देखते हैं वो तो अलग ही टावर में नशे कर रहा है भाई, पता नहीं कौन से नशे कर रहा, सस्ता नशा। फिर जो मैं दूसरा बंदा देखता हूँ, क्योंकि दो बंदे वो पता नहीं कब पार कर लेता है, इसको मारते टाइम कर लेता होगा। फिर जो मैं सोचता हूँ यार चलो यार एक नॉक है तो एक तो रिवाइव दे रहा होगा, तो दोनों बिजी है, तो इससे अच्छा जो है पुश ही कर देते हैं। तो भैया मैं सीधा जाता हूँ डायरेक्ट एकदम तीव्रता से, लेकिन फिर मेरे को जो है मेरे कानों में जो है 2 फुटी आने लगती है, तो फिर मेरी वहाँ पे फट जाती है। फिर मैं वापस अपने उल दबे पैर वापस आता हूँ, तो यार अंदर से स्ट्रेटजी लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कौन है, मैं वो देखे दीवार चाट रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं सोचता हूँ 2 सेकेंड वेट कर मारता हूँ और फिर थक देता हूँ, क्योंकि कारण ये मैं COD खेलने लगा हूँ। सो उसमें का अलग ही सेंसी हो चुका, तो इसका सेंसी भी मेरे अभी हाथ पे तक सेट नहीं, आदत चली गई क्योंकि मैं अभी जो COD खेल रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे वेट करते हुए यहाँ पे मेरे पूरे 10 किल हो गए। और भाई साहब फिर अब आएंगे मेरे टीममेट्स जो कि थे भूले भटके से लूटने। सो यार यहाँ पे जो है मैं बढ़िया अपना लूट के जो है सब चीज़ करके हील वगैरह मार के एकदम बढ़िया से बाहर निकल। सो गाइस अब तो भैया यहाँ पर सब चीज़ करने के बाद जो हम लोग निकलते हैं बढ़िया से एकदम हील बूस्ट करके, तो भाई साहब यहाँ पे तो भाई तुम्हारे भाई को जो नंबर 1 हैकर ही घोषित कर देते हैं इंटरनेशनल। वो भी भाई भाई सिर्फ 10 ही किल किया है यहाँ पे, तो लोग 30 30 किल करके बैठे रहते हैं, तब भी तुम लोग तो उनके साथ खेलोगे कसम से भाई, तब तो पूरा हैकर बताओगे। तो भैया वो भी बाजू बाजू से मारना कोई बड़ी बात नहीं है मेरी तरह, तुम लोग भी ऐसे ही खेल सकते हो मार सकते हो। जहाँ पे तुम देख रहे हो तुम्हारी फाइट हो नहीं रही है, मतलब तुम नहीं हारने की पॉसिबिलिटीज है, वहाँ से निकल जाओ सिंपल सा कहीं और एंगल बना के लूँ। तो भैया यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड का मेरे को एक ट्रेनिंग मेरी काम पे आया और मैं उस बंदे को गिरा दिया। तो भैया चलो यार बात कर लेते थोड़ा सा, अभी इनके और बंदे आएंगे टेंशन की बात नहीं, लोग पूरी फाइट की मजे लोग तुम लोग, क्योंकि पूरे गेम ही इंजॉयमेंट से भरा हुआ है। तो भाई लोग बात करते हैं अभी कौन कौन से आईफोन में जो है ये तुम्हारा 90 FPS सपोर्ट करेगा। सो लाइक मैं तुम लोग को पहले बताता हूँ, जिसमें सुपर रेटिना XDR या HDR डिस्प्ले है सिर्फ वही सपोर्ट करने वाला है ये तुम्हारे 90 FPS को, क्योंकि जो है बाकी तुम्हारा XR और 11 में 110% है कि ये नहीं करना। क्योंकि देखो मैं बता दूँ जो तुम लोग का, और ये 120 FPS कैसे होगा मतलब समझ लो, जैसे तुम्हारा 11 प्रो मैक्स हो गया, 11 प्रो हो गया, और ये सब में जो तुम्हारा 120 Hz का डिस्प्ले मिलता है, पर लेकिन तुम लोग डिस्प्ले जो होता है 60 Hz पे ही ये लॉक किए रहते हैं। सो फ्यूचर में पॉसिबल है कि ये अपडेट के साथ जो है अनलॉक कर दे। सो गाइस आई होप जो है ये कर दे, क्योंकि भाई बहुत से लोगों का जो है फ़ायदा ही हो जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं 10 में 10 Pro Max और 10 में आएगा, सो उसमें भी यही सेम है कि आई वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, सो कंफर्मेशन नहीं, पर लेकिन भाई 80% तक मैं बोल सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो बंदा रहता है वो राइट में भाई ऐसे ही फील्डिंग लगाए रहते हैं कि मारेंगे तो मैं फट जाती है ना, देखता हूँ तो मैं थोड़ा रिएक्ट वैक्ट करके भाई मार देता है, लेकिन भाई टीम करता हूँ उसमें मेरा अपना बंदा भी नॉक हो जाता है।
तो भाई यहाँ पे स्कोप खोल के मैं गलती करता हूँ फिर भी, लेकिन बंदा मेरे को थोड़ी हेल्प कर देता है, तो टेंशन की बात नहीं है, भाई मार देता है। सो भाई यहाँ पे इनको जो है रिवाइव वगैरह देता हूँ, स्मोक वगैरह करता हूँ, फिर जो है बढ़ते हैं आगे साइड पे। तो गाइस यार अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब मार देना, तुम सब्सक्राइब करते नहीं हो मतलब बुरा लगता है यार, ऐसे आ जाते हैं 3,000 10,000 व्यूज़ और तुम लोग सब्सक्राइबर्स मेरे सिर्फ इतने 3,000 पे आसपास होने वाले हैं, अच्छा नहीं लगता यार। तुम लोग ऐसे मतलब देख के चले जाते हो, कुछ तो करो यार, वैसे भी तुम लोग का कुछ लगता तो है नहीं, बस तुम लोग देखते हो इन्जॉय करते हो, भी तुम्हारे एक सब्सक्राइब, बस एक सब्सक्राइब और कुछ नहीं, लाइक को करो कोई मतलब नहीं मुझसे, वो तो तुम्हारे ऊपर भाई, तुमको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करोगे, नहीं आएगा तो भाई डिसलाइक मार देना और क्या, मैं इससे ज़्यादा क्या बोल। तो भाई यहाँ पे ये दिखते हैं स्पॉट, तो भाई यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रश करने पूरा, तो भाई फोरेस लगाते क्या आज भाई, स्प्रे दे के मार देगा, लेकिन स्प्रे भाई स्प्रे से ही नहीं हो रहा है, सेंसी का लोचा भाई, फुल सेंसी मतलब बहुत ट्राई हार्ड, देख रहे हो मतलब क्या लेवल हो गया है। सो गाइस ये सब तो मैं ठीक कर लूँगा एक बार जो है ऑफिशियल अनाउंस हो जाए कि जो है पबजी अनबैन होने वाला है, तो मैं फिर जो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके अपना हाथ हाथ वगैरह सब सेट कर लूँगा, फिर से T1 T2 लेवल का परफॉर्मेंस बना दूँगा, बट तब तक के लिए जो है भाई अभी तो मेरा T10 वाला परफॉर्मेंस चल रहा है, वही देखो तुम लोग। लेकिन गाइस तुम लोग को जो है क्लासिक वीडियो तो रेगुलर मिलते रहेंगे, अब तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग को डेली चाहिए वीडियो या जो है हफ्ते में 3 वीडियो चाहिए, और वो भी चाहिए ये बताओ कि ऐसे फुल वीडियो चाहिए फुल गेम प्ले के, या जो है क्लचेस वगैरह चाहिए, जैसे लाइक एक वीडियो में जैसे 5 क्लचेस मैंने डाल दिए वो वाला चाहिए। तो गाइस तुम्हारे ऊपर है, अगर वीडियो पसंद आया तो बताना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हम लोग जो है दोबारा से मिलते रहें। सो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो, और जैसा होगा नीचे वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताना।